वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप परीक्षा में पास होना चाह रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ यह वीडियो आप सभी के लिए, क्योंकि आज किस वीडियो में आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूं 90% प्रश्न यही आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेस टू पर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि जो जो मैं क्वेश्चन बताऊँगा इनको तैयार कर लेंगे तो आपको परीक्षा में कोई भी फेल नहीं कर सकता। लेकिन वीडियो को आपको लास्ट तक देखते रहना कि कौन कौन से मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है। यह वीडियो बी ए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर यानी कि द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है। किन छात्रों के लिए? बी ए सेकेंड सेमेस्टर के लिए, जिनका सब्जेक्ट समाजशास्त्र यानी सोशोलॉजी है और उनके प्रश्न पत्र यानी कि जो समाजशास्त्र सब्जेक्ट हो गया वो पेपर का नाम है भारत में समाज संरचना संगठन और परिवर्तन, इफ सारे जुड़े क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और मैंने अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और मैंने पिछले साल के जो मॉडल पेपर देखे हैं उनके हिसाब से मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सेलेक्ट किए हैं जिनको मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। आने वाले दिनों में हम आपको क्वेश्चन भी बताएंगे और कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो भी, लेकिन पहले आपको जानना जरूरी है टॉपिक्स कहाँ कहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो पहला प्रश्न है नगर। नगर के बारे में आपको लिखना है, नगर किसे कहते हैं, नगर की परिभाषा दीजिए, नगर की विशेषताएं बताइए, ठीक है। ऐसे प्रश्न बनेंगे आपकी परीक्षा में, ठीक है। और नगर की विशेषताएं भी बताना है, ठीक है, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो ये टॉपिक्स है। तो नगर की परिभाषा अगर सिंपल शब्दों में दी जाए तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि नगर को ऐसे स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि नगर की परिभाषा इस प्रकार है कि जहाँ व्यक्ति कृषि के अतिरिक्त यानी कि किसानी के अतिरिक्त, कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय में लगा होता है, यहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है तथा सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से यहाँ अत्यधिक विषमता पाई जाती है। नगर एक विशिष्ट पर्यावरण का सूचक है जिसे हम नगर कहते हैं। कहने का मतलब ये है जहाँ पर कृषि वाला काम नहीं होता है, कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय होते हैं, बिजनेस होते हैं या फैक्ट्री ओपन होती हैं, ठीक है, उस वाले एरिया को हम नगर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार भी इसका उत्तर लिख सकते हैं नगर के बारे में, ठीक है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, या फिर मैं आपको बताना चाहूँगा ग्रामीण क्षेत्र के लिए या फिर नगर के क्षेत्र के लिए कोई एक ऐसी स्पष्ट रेखा नहीं खींची गई है, इन दोनों के बीच अंतर जनसंख्या के आधार पर स्पष्ट किया जाता है, ठीक है। और जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा होता है उसे हम नगर के नाम से परिचित करते हैं या फिर जानते हैं, ठीक है। जैसे कि शहर में आप सभी को मालूम कि घनत्व ज़्यादा होता है, जनसंख्या ज़्यादा होती है, ठीक है, घनी बस्ती ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार आप इसका लिखेंगे उत्तर, और इसकी विशेषताएँ आपको कुछ इस प्रकार लिख देना। नंबर एक विशेषता ये हो सकती है कि जनसंख्या का ठीक है अधिक यानी कि जनसंख्या ज़्यादा होना, जनसंख्या में भिन्नता होना यानी कि एक दूसरे से ज़्यादा मतलब ना रखना, अपने काम में बिजी रहना, ठीक है। और आर्थिक क्रियाओं के केंद्र मतलब कि पूरी तरह स्ट्रॉन्ग होते हैं जो ज़्यादातर नगर एरिया के रहते हैं, क्योंकि वो बिजनेस पे और अपने जो मतलब कि जो काम करते हैं उस पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो और भी बहुत सारी विशेषताएं अपने अपने हिसाब से तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, तैयार कर लेंगे इसका उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म। धर्म किसे कहते हैं? धर्म भी एक बहुत ही टॉप लेवल का और महत्वपूर्ण टॉपिक है। धर्म से भी जुड़े आप सभी की परीक्षा में कई सारे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो धर्म एक टॉपिक है, जैसे कि धर्म किसे कहते हैं, धर्म की विशेषताएं बताइए, या फिर धर्म क्या है, हिंदू समाज पर धर्म के प्रभाव का उल्लेख कीजिए, ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो धर्म की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा में आपको बताना चाहें तो इसकी जो परिभाषा है वो अलग अलग जो समाजशास्त्री हैं, जो अलग अलग हमारे विद्वान उनके अनुसार अलग अलग है, लेकिन एक परिभाषा इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे कि आध्यात्मिक सत्ताओं में विश्वास ही धर्म है, या फिर आप लोग लिख सकते हैं कि धर्म क्रिया की एक विधि है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी। धर्म एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ एक वैयक्तिक अनुभव भी है, ठीक है। तो आप इस प्रकार इसका उत्तर लिख सकते हैं, ओके। और बहुत सारे समाजशास्त्री इसकी परिभाषा अलग अलग मतलब कि बताए हैं, आप अपने अनुसार इसकी परिभाषा जो भी आपको अच्छी लगे या फिर आपको जो सरल लगे वो तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आएगा परीक्षा में। जनसंख्या की परिभाषा दीजिए, जनसंख्या का घनत्व बताइए और जनसंख्या रोकने के उपाय बताइए, जनसंख्या के प्रमुख कारण बताइए, ऐसा भी बहुत सारे प्रश्न बनेंगे जनसंख्या से जुड़े, ठीक है। तो जनसंख्या एक बहुत ही टॉप लेवल का टॉपिक है, इसके बारे में आपको ज़रूर तैयार करके जाना है, ठीक है। और जनसंख्या की परिभाषा मैंने आपको कई बार बता भी रखी है, अगर आप हमारी पिछली वीडियोज़ देखे होंगे तो, ठीक है, ओके।
वो जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और आपकी जानकारी के लिए भी बता दें, जो अपना देश है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। इससे पहले आपने सुना होगा कि पूरे दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या, जो सबसे ज़्यादा लोग हैं, वो चीन में है, चीन देश में, ठीक है। और दूसरे नंबर भारत था, ठीक है, कि दूसरे नंबर पर, पहले पर चीन था, दूसरे पर भारत था जनसंख्या के मामले में। लेकिन अब उसको क्रॉस कर चुका है भारत। और अप्रैल 2023 के आंकड़ों और रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे जनसंख्या वाला देश भारत देश बन गया है, ठीक है। और बना बना के आप लिख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जाति, जाति एक बहुत ही जनरली और कॉमन सी समस्या भी है। और जात किसे कहते हैं और जात की प्रमुख विशेषताएं बताइए, ठीक है, जात के प्रकार बताइए, ऐसा भी प्रश्न बनेगा तो आपको तैयार कर लेना। ये भी टॉप लेवल का टॉपिक है। अगला प्रश्न आप लोगों के समस्त, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, संयुक्त परिवार किस प्रकार का होता है, ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना है। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही टॉप लेवल का और जनरली क्वेश्चन है, इसके बारे में भी आप लोगों को तैयार कर लेना, ठीक है, ठीक है। और बाकी इससे जुड़े कई सारे प्रश्न बनेंगे संयुक्त परिवार से जुड़े, और ये प्रश्न 100% आएगा, ठीक है। और वो आपके चाहे अति लघु उत्तरीय में आए, चाहे लघु उत्तरीय में आए, चाहे दीर्घ उत्तरीय में आए, लेकिन आएगा जरूर, इस बार की हम 100% गारंटी ले रहे हैं, ठीक है। और इसकी अगर थोड़ी सी मैं आपको जानकारी इसके बारे में आपको बताना चाहूँ तो ध्यान से सुनेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। और इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि संयुक्त प्रकार का जो संयुक्त परिवार होता है उसका आकार जो है ना वो बहुत बड़ा होता है। संयुक्त परिवार का मतलब ये होता है ज्वाइंट फैमिली, जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, बड़ा होता है आकार में। एक संयुक्त परिवार में सामान्यतः 3-4 पीढ़ी के सभी रक्त संबंधी और विवाह द्वारा सम्मिलित होने वाले सदस्यों के कारण उनकी सदस्यता 40 से 50 या उससे अधिक हो जाती है। किसमें? संयुक्त परिवार में, ठीक है। तो इस प्रकार आप किस परिभाषा लिखेंगे, उसकी विशेषताएं लिखने के लिए आ जाएगा और आप लोग अपने अनुसार लिखेंगे, ठीक है। और इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे परीक्षा में, जो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ हाईलाइट करके वो आपकी परीक्षा में आएंगे। जो नहीं बोलूँगा कि ये नहीं आएगा तो ये नहीं आएगा, ठीक है, उसकी उम्मीद कम रहेगी मतलब आने की। अब अगला प्रश्न है कि विवाह किसे कहते हैं और साथ साथ में हिंदू विवाह किसे कहते हैं। और हिंदू विवाह अधिनियम जो 1900 कितने में, अभी ध्यान नहीं आ रहा, 65 में जो शुरू हुआ था उसके बारे में आपको लिखना होगा, ठीक है। विवाह किसे कहते हैं सबसे पहले आपको इसके बारे में लिख लेना है, ठीक है। और हिंदू विवाह के उद्देश्य क्या क्या हैं, ठीक है, और विवाह के बारे में आपको तो लिखना है, और हिंदू विवाह के उद्देश्य और विवाह क्यों किया जाता है, ऐसे भी बहुत सारे प्रश्न बनेंगे और इसकी विशेषताओं के बारे में भी लिखने के लिए आएगा आपकी परीक्षा में, ठीक है। और इसका भी उत्तर आपको तैयार करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और टॉप लेवल का टॉपिक ये भी आपके एग्जाम के नज़रिए से, ठीक है। और इससे जुड़े प्रश्न आपकी परीक्षा में करीब करीब 8 से 10 नंबर के देखने को मिलेंगे, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि अनुसूचित जात के बारे में आपको लिखना, अनुसूचित जात किसे कहते हैं, अनुसूचित जात में कौन कौन आता है, ये सारी जानकारी आपको लिखनी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुसूचित जात की समस्याएं क्या क्या हैं, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दहेज प्रथा, दहेज को लेकर प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे कि दहेज प्रथा को कैसे ख़त्म किया जाए, दहेज प्रथा की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं, दहेज प्रथा के क्या क्या कारण हैं, ठीक है, ऐसे प्रश्न बनेंगे दहेज प्रथा से जुड़े, जो कि आपको लिखने हैं दहेज प्रथा के दुष्परिणाम क्या क्या है, ठीक है, ये सारे आपको लिखने होंगे, आपके परीक्षा में ये प्रश्न आएगा और उम्मीद पूरी है कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा भी आएगा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा हम आपको बता दें दहेज प्रथा के बारे में कि दहेज प्रथा कानूनी रूप से दहेज का अर्थ किसी भी ऐसे संपत्ति अथवा मूल्यवान वस्तुओं से है जिसे विवाह की एक शर्त के रूप में विवाह से पहले अथवा बाद में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को देना अनिवार्य होता है, ठीक है। दहेज के पाले में आप लोगों की शादी नहीं हुई, अगर हुई है तो आपको मालूम होगा कि आपको दहेज मिला होगा, वो चाहे आपको बाइक मिली हो, पैसे मिले हो, बेड मिली हो, आपको अलमारी मिली हो, सोफ़ा, कूलर, फ्रिज एक्सेट्रा, बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं, जो आपको मटेरियल है जो मिलते हैं, ये इनको ही दहेज कहा जाता है, ठीक है। शादी के बाद जब सुबह आपको वापस आने लगते हैं घर, तो जो मिलता है वही दहेज के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी हैं और उसके बारे में आपको लिखना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं, बस आप लोगों को समझने की आवश्यकता है बस, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया अपना गांव, भाई हम तो गांव में ही रहते हैं तो हम गांव के बारे में जानते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। तो गांव के बारे में आपको लिखना, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, गांव किसे कहते हैं, गांव की प्रमुख विशेषताएं बताइए, ठीक है, और भारतीय गांव कैसे होते हैं उनके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो साधारण रूप से आप सभी को मालूम है कि गाँव एक बहुत सरल शब्द में समझा जाता है, लेकिन इसे परिभाषित करना बहुत ही कठिन कार्य भी है, ठीक है। कुछ व्यक्ति यह मानते हैं कि गाँव का तात्पर्य किसानों की, ठीक है, किसानों की बस्तियों से है, जबकि उनके दूसरे विद्वान के अनुसार किसी भी उप क्षेत्र समूह को गांव कहा जा सकता है जहां थोड़े से व्यक्ति प्राथमिक संबंधों में बंधे हैं
बंधे हों और खेती के द्वारा आजीविका उपार्जित करते हों, ठीक है, यानी कि खेती के सहारे अपना जीवन यापन करते हों और उसी से अपना घर बार उनका चलता है, ठीक है, तो उसको हम गांव के नाम, मतलब गांव के नज़रिए से देखते हैं, ठीक है। और बहुत विद्वान जो इसका है वो अलग अलग इसका मतलब निकालते हैं और अलग अलग परिभाषा भी है, लेकिन साफ शब्दों में एक बोले तो गांव का मतलब वही होता है जहां पर मतलब कि किसानों की जो बस्तियां हैं, ठीक है, उसमें जो लोग बाग रहते हैं और जो प्राथमिक उनका कार्य है वो कृषि है, ठीक है, मजदूरी है, ठीक है, उससे अपना जीवन यापन करते हैं, उसी को गांव कहा जाएगा। फिलहाल आप अपने अनुसार इसकी परिभाषा अलग अलग लिख सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं, बस आपको समझने की आवश्यकता है। अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब कि ओबीसी के बारे में क्वेश्चन लिखने आएगा, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, इसको भी आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। सांप्रदायिकता, ये भी टॉप लेवल का और हाई लेवल का टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, सांप्रदायिकता से जुड़े क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे कि भारत में सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम लिखिए, ठीक है, भारत में सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम लिखिए, ऐसा प्रश्न बन सकता है, ठीक है, और उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके लिखना होगा, समझ में आ रहा है ना। और बाकी आप लोग सांप्रदायिकता के बारे में इसका उत्तर जो तैयार कर लेंगे तो आपको एग्जाम में आपकी हेल्प ही पूरी तरह मिल जाएगी, ठीक है, भारत में सांप्रदायिकता की समस्या है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, इसका उत्तर मैं आपको थोड़ा बता दूं, भारत में सांप्रदायिकता की समस्या ने राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक एकीकरण तथा सामाजिक प्रगति के मार्ग में अनेक गंभीर समस्याओं को उत्पन्न किया है। सच तो यह है कि सांप्रदायिकता से उत्पन्न सभी परिस्थितियाँ अनंत भावनात्मक एकीकरण में बाधा उत्पन्न करके एक स्वस्थ राष्ट्र के लिए गंभीर चुनौती बन जाती हैं। सांप्रदायिकता के सामाजिक दुष्परिणामों को निम्नवत तरीके से देखा जाता है, जैसे कि राष्ट्रीयता पर प्रभाव पड़ना, ठीक है, किस पे, राष्ट्रीयता पर प्रभाव पड़ना, तनाव एवं संघर्ष, राजनीतिक दुष्परिणाम, सार्वजनिक धन जन की हानि, ये सब ट्रा आ जाता है इसके अंतर्गत, ठीक है, दुष्परिणाम के अंतर्गत। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है कि महिलाओं की समस्या से जुड़ा है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, महिलाओं से जुड़ा एक प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, महिलाओं की समस्याओं से जुड़ा, ठीक है, कि महिलाओं को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या फिर भारत में या फिर भारतीय समाज में महिलाओं की समस्याओं का उल्लेख कीजिए, समस्याएँ क्या हैं और समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं वो आपको लिखना है, ठीक है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि गवर्नमेंट पूरी तरह महिलाओं की हर समस्या का समाधान करने में जुटी है और कर भी रही है, और एक दिन ऐसा आएगा जिससे मतलब कि महिलाओं की जो समस्याएं हैं वो शायद समाप्त हो सकें, ठीक है, और इनकी समस्याओं के बारे में आपको लिखना, उनका प्रयास किस प्रकार किया जा रहे हैं उसके बारे में लिखना, महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा संस्कार कल्चर से जुड़ा, ठीक है, रीति रिवाज कल्चर, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न टॉपिक है, इससे जुड़े हुए प्रश्न आएंगे। दलित वर्ग, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक, इससे भी जुड़े क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्रीय एकीकरण भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक, इससे भी जुड़े क्वेश्चन आएगा। सामाजिक वर्ग, सामाजिक वर्ग से जितने भी जुड़े क्वेश्चन बनते हैं उनको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले 14 नंबर पे आ जाए दलित वर्ग में क्वेश्चन किस प्रकार के बनेंगे मैं आपको बता रहे हैं, जैसे कि दलित वर्ग से क्या आशा है, या फिर दलित वर्ग किसे कहते हैं, दलित वर्ग की समस्याओं का उल्लेख कीजिए एवं इसके समाधान बताइए और इसके उपाय भी बताइए दलित वर्ग में, ठीक है, ऐसा प्रश्न बन सकता है। और राष्ट्रीय एकीकरण में भी ऐसा प्रश्न बनेगा, ठीक है, राष्ट्रीय एकीकरण में जो कि आपको तैयार कर लेना है, ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक, ठीक है, राष्ट्रीय एकीकरण आपने समझ लिया, सामाजिक वर्ग, ठीक है, सामाजिक वर्ग भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे भी जुड़ा क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में। कस्बा किसे कहते हैं, कस्बा के बारे में आपने नाम तो सुना ही होगा, कस्बा किसे कहते हैं, ठीक है, कस्बा, चलिए इसके बारे में थोड़ा हम आपको बता दें, फिलहाल आप कस्बा तो जानते होंगे, ठीक है। कस्बा को सरकारी तौर पर कस्बे और नगर के बीच ना तो विभाजन का कोई निश्चित आधार है और ना ही कस्बे की कोई पृथक परिभाषा दी गई। सन 1961 से पहले होने वाली जनगणनाओं में यह स्पष्ट किया गया कि 5,000 या इससे अधिक की जनसंख्या वाले क्षेत्रों तथा विशेष दशाओं में 5,000 से कम आबादी वाले किसी भी क्षेत्र को भी एक कस्बा घोषित किया जा सकता है। सन 1961 की जनगणना में सबसे पहले यह निर्धारित किया गया कि किस स्थान को गांव कहा जाएगा और किसे कस्बा माना जाएगा। इस जनगणना में किसी भी उप क्षेत्र को कस्बे के रूप में परिभाषित किया गया जो तीन शर्तों को पूरा करता हो, जैसे कि जिस क्षेत्र में आबादी 5,000 या उससे अधिक हो, प्रति वर्ग किलोमीटर में वहाँ जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति से कम ना हो,
उप क्षेत्र में वयस्क पुरुषों की कम से कम 75% संख्या गैर कृषि कार्यों के द्वारा आजीविका उपार्जित करते हों तो उसको हम कस्बा कहेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण जीवन, ग्रामीण जीवन आप लोग को मालूम है कैसा ग्रामीण जीवन होता है, उसके बारे में आप लोग तो समझदार हैं, लिख लेंगे। ठीक है, और हालांकि हमेशा नहीं आता, कभी कदार आता। 5 महायज्ञ ये सारे परीक्षा में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, ये भी प्रश्न आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ये भी प्रश्न आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। और जनजातीय प्रश्न इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लेंगे। विविधता में एकता, ये भी इतना महत्वपूर्ण है, कभी आता कभी नहीं आता। कुछ क्वेश्चन जैसे कि 22 नंबर, 21 नंबर, 20 नंबर, 19 नंबर, 18 नंबर, ये कॉमन है, मतलब आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। और बाकी के जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये आपकी परीक्षा में आएंगे ही आएंगे, खासकर 1 से लेकर 11 तक, और आपका 12 नंबर, 13 नंबर, 15, 16 नंबर और 14 नंबर। ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे ही आएंगे, इन्हीं पे जुड़े सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। जितने भी मैंने आपको महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएं, लगभग जो प्रश्न पत्र होगा आपकी परीक्षा का, उसमें यहीं से लगभग प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बाकी अगर आप इतने भी प्रश्नों का उत्तर तैयार कर लेते हैं तो आपको कुछ और अन्य चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और इन सभी क्वेश्चनों का उत्तर, इन सभी टॉपिक का उत्तर जो आपको वो सीरीज क्वेश्चन बैंक या फिर गूगल बाबा तो आपको दे देंगे, इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक और नई फ्रेश वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।